नमस्कार दोस्तों, जितनी भी फसलें अथवा पौधे हैं वो किसी न किसी रूप में नाइट्रोजन पर ही निर्भर करते हैं। कह सकते हैं नाइट्रोजन के बिना पौधे अथवा फसल में जीवन संभव नहीं है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे के साथ साथ सजीवों की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक तत्व है। पौधे कोशिका विभाजन से लेकर भोजन बनाने तक में नाइट्रोजन को शामिल करते हैं। अब बात करते हैं पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग। पौधों में नाइट्रोजन की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन वह तत्व है जो पौधों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीवन के लिए आवश्यक कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और पदार्थ किसी न किसी तरीके से नाइट्रोजन पर निर्भर करते हैं। पूरे पौधे में कई स्थानों पर अलग अलग तरीके से नाइट्रोजन पाया जा सकता है, जैसे पत्तियों, अनाज, पौधों के ऊतकों और पौधों की जड़ों में। सभी में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन पेड़ पौधे कभी भी नाइट्रोजन को उसके मूल रूप में ग्रहण नहीं करते। इसके बजाय पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करने के लिए नाइट्रोजन चक्र पर निर्भर रहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन को इस रूप में बदल दिया जाता है जिससे पौधे आसानी से उसे ग्रहण कर सकें, और ये कई चरणों में होता है। नाइट्रोजन चक्र का पहला जो चरण है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह वह जगह है जहां वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस N2 को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया NH3 में परिवर्तित किया जाता है। ये बैक्टीरिया अक्सर फलीदार पौधों की जड़ों में या मिट्टी में पाए जाते हैं। फिर अमोनिया को अमोनियम आयनों NH4 में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग पौधे कर सकते हैं। हालांकि अधिकांश पौधे नाइट्रेट आयनों NO3 के रूप में नाइट्रोजन को अवशोषित करना पसंद करते हैं। यहीं पर नाइट्रीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। मिट्टी में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम आयनों को नाइट्रेट NO2 और फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं। इन नाइट्रेट आयनों को पौधों की जड़ें मिट्टी के घोल से आसानी से अवशोषित कर सकती हैं। पौधों की जड़ों द्वारा नाइट्रेट आयनों का अवशोषण एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगर इस प्रक्रिया को संक्षेप में समझें तो पौधे बैक्टीरिया से जुड़े जैविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन को निष्क्रिय रूप से एक उपयोगी रूप नाइट्रेट आयन में परिवर्तित किया जाता है, जिसे फिर से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण को हम कैसे पहचानें? नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल की सामान्य मात्रा का संश्लेषण करने में विफलता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी पत्तियों का क्लोरोसिस हो जाता है और पीली पड़ने लगती हैं। और जब कमी गंभीर हो जाती है तो युवा पत्तियों में भी पीलापन आ जाता है, और ये इतना बढ़ जाता है कई बार कि हमारी फसल लगातार डैमेज होती चली जाती है, और संभावना बन जाती है कि हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाए यदि समय रहते हम उसमें नाइट्रोजन की उपलब्धता ना करा दें। अब बात करते हैं स्रोतों की। तो ये देखिए, तीन तरीके से हम प्राकृतिक रूप से, जिसमें एक नाइट्रीकरण स्तरीकरण की एक प्रक्रिया रहती है, पौधे वातावरण से कुछ नाइट्रोजन लें, और दूसरी प्रक्रिया है यूरिया के रूप में, अमोनियम सल्फेट के रूप में, जहां पर अमोनियम आयन हो, नाइट्रेट आयन हो, या सीधे तौर पर नाइट्रोजन जैसे 46% यूरिया के रूप में रहती है। तीसरा स्रोत है जितनी भी फलीदार यानी जितनी भी दलहनीय फसल होती हैं वे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करके अपनी जड़ों में नाइट्रीकरण को स्थिरीकरण कर लेती हैं, और जिसे फिर पौधे अवशोषित करके अपने लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये तीन तरह के स्रोत हैं, एक फर्टिलाइजर के रूप में, एक स्वतः प्रक्रिया के रूप में। तो इस तरीके से पौधे ग्रहण करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आवश्यकता हमें फर्टिलाइजर के रूप में देने की क्यों होती है? क्योंकि वो जो प्राकृतिक रूप की प्रक्रिया होती है बहुत स्लो होती है, और लगातार फसल लेने से, बिना फसल चक्र के लेने से, लगातार हमारी ज़मीन के अंदर, हमारी फसलों के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, और हमें समग्र ग्रोथ के लिए अलग से फर्टिलाइजर के रूप में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है, और जिसका सबसे सस्ता स्रोत यूरिया होता है। तो आज के वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमसे WhatsApp अथवा Facebook पे भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक कमेंट बॉक्स में या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।